समाचार.com में हूँ अक्सर दीक्षा भानप्रिय। पति ने देखा पत्नी का शव नीचे पड़ा था, प्रेमी फंदे पर लटक रहा था। प्रेम प्रसंग का है पूरा मामला। किसी भी पति के लिए इससे बड़ा हादसा और क्या हो सकता है कि जब वो घर लौटे तो उसकी पत्नी की लाश नीचे पड़ी हुई दिखाई दे और दूसरी तरफ फांसी पर लटकता हुआ पत्नी का प्रेमी दिखाई दे। जी हाँ, इंदौर के नगरी नगर इलाके में ये वारदात हुई है। इस पूरे घटनाक्रम ने समूचे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो बातें सामने आ रही है उनसे ये पता चला है कि पति की अनुपस्थिति में तरुण चौधरी नाम युवक वर्षा से मिलने आता था और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। संभव है कि किसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और उसके बाद तरुण चौधरी ने वर्षा का गला दबा दिया और उसके बाद खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। लेकिन पुलिस इस बात को लेकर भी हैरान है कि वर्षा के गले पर फांसी के फंदे के निशान कैसे आए। इस पूरे मामले को लेकर टीआई पाटीदार का कहना है कि रात करीब 8 बजे घटना की सूचना मिली थी। मृत युवक का नाम तरुण चौधरी निवासी बंगाली कॉलोनी है और युवती का नाम वर्षा पति मंगल सिंह निवासी नगीन नगर है। मकान मालिक गौरी शंकर दुबे ने बताया कि वर्षा अपने पति के साथ 10 महीने से उनके मकान में किराए से रह रही थी। रात को छोटा भाई और माँ मिलने आए थे। दरवाज़ा अंदर से बंद था। अंदर से आवाज़ नहीं आने पर भाई ने झांक कर देखा तो बहन ज़मीन पर पड़ी हुई थी। परिजन दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए और वर्षा को चोइथराम अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर सूचना पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने तरुण का शव फंदे से उतारा और जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक युवक युवती से मिलने आया था और उसके परिवार की तलाश की जा रही है। वर्षा के बारे में पता चला है कि वो गणेश कैप मार्ट में नौकरी करती थी तथा बुधवार को काम पर नहीं गई थी। उसका पति देवास स्थित ट्रांसपोर्ट ऑफिस में नौकरी करता है। पुलिस के मुताबिक मंगल पत्नी को फोन लगा रहा था, जब उससे संपर्क नहीं हुआ तो उसने अपने साले धीरज को घर भेजा था। पुलिस के अनुसार महिला के गले में रस्सी के निशान मिले हैं, उसकी फांसी लगाने से मौत हुई है और पूरा मामला प्रेम प्रसंग का नजर आ रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।